नेशनल साइंस ओलंपियाड के परीक्षा में दरभंगा मिर्जापुर स्थित ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने ऐतिहासिक रिजल्ट हासिल कर मिथिलांचल ही नहीं अपितु पूरे राज्य में जॉन टॉपर होकर यह साबित किया है कि सफलता का मूल मंत्र कठिन परिश्रम और उचित मार्गदर्शन है, न कि आधुनिक सुविधाओं के चक्कर में शहर दर शहर दर बदर भटकना। शहर के मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने वह मुकाम हासिल किया है जो अभी तक किसी एक शिक्षण संस्थान के लिए मात्र एक स्वप्न जैसा था। संस्थान के सारे बच्चों ने न सिर्फ साइंस ओलंपियाड में सफलता पाई बल्कि जॉन टॉपर होने के साथ रैंक 1, 2, 3, 4, 6, 9 एवं 12 रैंक हासिल कर पहली बार इतिहास रचा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रैंक 13, 16, 20, 21, 23, 25, 29, 33 एवं 40, 49 भी हासिल किया, जो अपने आप में एक स्वर्णिम प्रदर्शन है। वहीं संस्थान के डायरेक्टर सुमन कुमार ठाकुर एवं ओमेगा स्टडी सेंटर के छात्र छात्राओं से बात करके हमारे संवाददाता ने विस्तृत जानकारी ली। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कि उन्होंने क्या कहा। टोटल 44 स्टूडेंट इसमें अपीयर हुए थे एग्जाम में, जिसमें 43 स्टूडेंट आगे के लिए सेलेक्ट हुए हैं। और इंटरनेशनल रैंक मैं और बता दूं आपको, इंटरनेशनल रैंक इसमें दिया जाता है और जोनल रैंक, तो जोनल रैंक तो हमारा 1 से लेके कंटिन्यूसली रहा ही है। इंटरनेशनल रैंक भी हमारा 13 है आयुषराज, और 13 के बाद 14 भी है, 19 है, 21 है, और इस तरह से 13 टू 189 के बीच में हमारे सारे बच्चों ने इंटरनेशनली रैंक अपना हासिल किया है। मैंने एसओएफ का एनएसओ कंपटीशन ओलंपियाड साइंस को कम्पीट किया है। मैं जोन टॉपर हूँ और मैंने इसके लिए मेरे टीचर्स ओमेगा के ने मुझे मदद किए थे और डायरेक्टर सर ने मुझे इनकरेज किया। सिलेबस से हट के क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए रीजनिंग के लिए थोड़ा सा अलग स्किल्स होते हैं उसके लिए। ये मेरे लिए IIT या फिर मेडिकल जिसमें मैं जाना चाहूँगा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत अच्छी तैयारी रही और हमारे ओमेगा में एक्स्ट्रा शेड्यूल, एक्स्ट्रा डाउट क्लास वगैरह इसके लिए शेड्यूल किए गए थे ताकि हम लोग ये एग्ज़ाम को फेस कर सकें। आगे पियर्सन्स की बुक होती है, फिर ओमेगा की बुक बहुत अच्छी है इसके लिए। ओमेगा की बुक्स में रीजनिंग्स वगैरह सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें से तैयारी की। कंप्लीट करने के बाद सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम दूंगी। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG-8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर, दरभंगा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। नमस्कार, मैं एडिसन सनशाइन एकेडमी के प्रिंसिपल। हमारे स्कूल का मेन मोटो यही है कि डार्कनेस टू ब्राइटनेस, इट मींस कि अंधकार से उजाले की ओर। और ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई की ओर नहीं करके खेतीबाड़ी या फिर कोई दूसरे अन्य कामों में उनको उलझा देते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। आज का ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, भी आज 21वीं शताब्दी में हम लोग आ रहे हैं, जबकि लोग आज 22वीं शताब्दी में भी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा देश आज भी बहुत चीज़ों में आगे निकल रहा है, जहां तक कि बहुत से शहरी ही इलाकों के बच्चे हैं जो आगे आ रहे हैं, लेकिन हम इस मिथ्या को तोड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा गाँव, हमारा देश में भी कहीं ना कहीं एक भागीदारी और हिस्से बने, इसीलिए हम शहरी व्यवस्था के साथ यहाँ आए हैं गांव में, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर, प्रोजेक्शंस आदि बहुत चीज़ें
हमारे स्कूल में उपलब्ध है जिसकी सुविधाएं हम चाहते हैं कि गार्जियंस अभिभावक एक बार स्कूल में आए और देखें और समझें कि स्कूल उनके बच्चों के लिए क्या लेकर आई है, क्या देना चाहती है, हमारे मकसद को समझें और हमारा साथ दें ताकि हम शिक्षा को कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही गांव तक नहीं आगे के अगल बगल के जितने भी गांव हैं वहां तक भी हम शिक्षा के प्रकाश को फैला सकें। स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ें जैसे डांस, क्विज कॉम्पिटिशन्स, पार्टिसिपेशंस में हर एक तरीके से बच्चों को तैयार करती हैं ताकि वे दूसरे इंटर हाउस स्कूल्स में भी जाके पार्टिसिपेट करें और अपना एवं अपने अभिभावकों का तथा साथ ही साथ स्कूल का भी नाम रोशन करें।